नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपको एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, उसके शेयर के ऊपर बात करेंगे कि आगे क्या हो सकता है, उसके ऊपर हम ग्राफ एनालाइज करके थोड़ा बहुत जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाला है ये वीडियो, जिससे कि आपको डिसीजन लेने में अभी जो डीग्रोथ चल रहा है रिलायंस पावर लिमिटेड के ऊपर, तो ये जो डीग्रोथ के समय आपको क्या करना चाहिए, आप जो भी डिसीजन लेंगे वो डिसीजन लेने में आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिल सकता है अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं तो। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको रिलायंस पावर और ऐसे ही पेनी स्टॉक के ऊपर कोई भी इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। सब्सक्राइब एब्सोल्युटली फ्री है। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन बराबर मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो वन डे का ग्राफ है वो देखिए 14.10 रुपीज़ पे शुरुआत हुआ था आज की डेट की बात करें तो वन डे का, और ख़त्म कितने पे हुआ है, सेम प्राइस। मतलब ज़्यादा यहाँ पे आज की डेट पे कुछ भी नहीं है, हमें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 4.73% हमें यहाँ पे डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम वन वीक का बात करें तो हमें बहुत ही ज़्यादा डिक्रीज लेवल देखने को मिल रहा है। तो ये बहुत ही ज़्यादा बैड न्यूज़ नहीं है। देखिए, बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ दोनों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले तो ये बैड न्यूज़ किसके लिए है, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए है, लेकिन ये आपका बैड न्यूज़ तभी माना जाएगा अगर आपने, जैसे कि सोच लीजिए यहाँ पे वन मंथ की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे समझ लीजिए जो शॉर्ट टाइम इन्वेस्टमेंट होता है करता है तो वो क्या करता है, जब लॉन्ग मतलब थोड़ा बहुत नीचे आता है, जैसे कि आप देख सकते हैं हाई जंप से एकदम बहुत ज़्यादा नीचे आ गया तो यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया समझ लीजिए, ठीक है। यहाँ पे इन्वेस्ट करने के बाद जब ये ऊपर जाएगा, समझ लीजिए यहाँ पे जो ऊपर गया था यहाँ पे बेच देने से उसका प्रॉफिट निकल जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंट्रीब्यूट किया जाता है शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर। लेकिन समझ लीजिए कोई शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर यहाँ पे आया, इन्वेस्ट किया 15.55 रुपये पे, ठीक है। अभी उसका डीग्रोथ चल रहा है, अभी कितना चल रहा है, 14.10 रुपये, ठीक है। तो ये ऐसा चल रहा है, लेकिन अभी वो बेच देगा तो उसका नुकसान चलेगा, लेकिन वो अभी क्यों बेचेगा दोस्तों, ठीक है। तो अभी किसी का भी नुकसान चल रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि आगे आने वाले समय पे ये ज़रूर ऊपर की तरफ जाने वाला है, ठीक है। अपर सर्किट हमें जल्द ही देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर हम फाइनेंशियल कंडीशन की बात करते हैं तो हमें पता चलता है। तो चलिए फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर हम थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं फाइनेंशियल क्या डिमांड है उसके ऊपर। तो इसका फाइनेंशियल कंडीशन अगर हम समझ जाते हैं तो हमें इसका मार्केटिंग स्ट्रेटजी भी समझ में आ जाएगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो सकता है। देखिए यहाँ पे अगर हम रिलायंस पावर का रेवेन्यू की बात करते हैं तो देखिए 4.18% रेवेन्यू जेनरेट किया गया है, ठीक है। मतलब बहुत ही अच्छा बात हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव साइन ही हमें दिखाई दे रहा है। और नीट इनकम की अगर हम बात करते हैं वो भी हमें पॉजिटिव साइन ही दिखा रहा है, जो कि 753% है, ठीक है। तो ये भी हमें पॉजिटिव साइन ही दिखा रहा है। और यहाँ पे नीट प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम बात करते हैं तो वो भी हमें इंक्रीज पॉइंट पे ही दिखा रहा है, जो कि बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है, जो कि 710% के आसपास है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ओपनिंग इनकम की बात करें तो वो भी हमें इंक्रीज पॉइंट पे ही देखने को मिला है, जो कि 19.47% के आसपास आपको दिख जाएगा, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू की अगर हम बात करते हैं वो भी हमें 9% दिख रहा है,
मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। और यहाँ पे अगर हम फाइनेंशियल इसका कंडीशन देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है, तो हमें ये पता चलता है कि ये जो रिलायंस पावर है या फिर आर पावर का जो इंडस्ट्रीज़ है, मतलब LTD है, ठीक है, ये आगे जाके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट दे सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है उसका भी बहुत ही ज़्यादा नुकसान पे चल रहा है, तो चिंता की कोई बात नहीं है क्योंकि आगे हमें प्रॉफिट देखने को ज़रूर मिल सकता है। ये कुछ हो गया फाइनेंशियल कंडीशन के ऊपर बात। और अगर हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर बात करते हैं तो जैसे कि हमें कमेंट आया था कि यहाँ पे जो इंक्रीज लेवल हो रहा था ना, तो यहाँ पे ये जो जगह है, मतलब जून के महीने में शुरुआत में फर्स्ट या सेकेंड वीक में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टर लोग आया था और इन्वेस्ट किया हुआ था, ठीक है, तो उसका अभी तक ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो अच्छा खासा हमें अपर सर्किट देखने को मिला था उसके अकॉर्डिंग अभी तक हमें 11% डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, ठीक है, अगर हम बात करते हैं उसके अकॉर्डिंग तो 11% अभी तक डीग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो उन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, देखिए ये जो आपने यहाँ पे स्टॉक ख़रीदा था अपर सर्किट के वक्त, तो वो जो सर्किट जब भी आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, मतलब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक टाइम था यहाँ पे जो प्रॉफिट दे रहा था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 12% यहाँ पे आपको प्रॉफिट दे रहा था जो कि 13 अक्टूबर को था, ठीक है। तो यहाँ पे इस जगह मतलब कोई भी अगर आपको प्रॉफिट दे रहा होगा, क्योंकि देखिए आपने तो सबसे पहले सबसे बड़ा हाई जंप जब किया था तब आपने ख़रीदारी किया था, और जब भी आपका प्रॉफिट देगा तभी आपको बेच देना चाहिए, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग आपको जब भी प्रॉफिट में दिखे बेच देना पड़ेगा, और बेच देने के बाद जब नुकसान पे आ जाएगा, ठीक है, जब मतलब यहाँ पे डीग्रोथ हमें देखने को मिल रहा था, जैसे कि अभी हमें डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, देखिए अभी हमें क्या कर रहा है, डीग्रोथ देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम 6 मंथ के ऊपर बात करते हैं तो ज़्यादा डीग्रोथ नहीं है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 23 अगस्त में जो डीग्रोथ आया था उसके अकॉर्डिंग अभी तक उतना डीग्रोथ नहीं आया है, लगभग अभी भी 39% हमें इंक्रीज पॉइंट दिखा रहा है, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं डीग्रोथ की, तो डीग्रोथ 6 मंथ के 6 मंथ में जो सबसे बड़ा डीग्रोथ आया था उसके अकॉर्डिंग अभी भी हमें यहाँ पे 40% के ऊपर इंक्रीज पॉइंट हमें देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो जिसका अभी नुकसान पे चल रहा है तो वो अभी तो बेचना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आगे आपको बहुत ही अच्छा ग्रोथ पॉइंट देखने को मिल सकता है, जैसे कि आपने फाइनेंशियल कंडीशन आपने देखा है रिलायंस पावर लिमिटेड का, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन ही हमें देखने को मिल रहा है, आगे भी आपको इंक्रीज पॉइंट ज़रूरी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये रहा कुछ रिलायंस पावर लिमिटेड का ग्राफ का एनालाइज और आगे क्या हो सकता है। आशा करते हैं आपने ये जो डिक्रीज पॉइंट देखने को मिल रहा था आपको लास्ट 1 वीक में, तो उसके अकॉर्डिंग आप ज़रूर पैनिक हुए होंगे, तो पैनिक होने की कोई बात नहीं है, अगर आप 1 मंथ का एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा, और 6 मंथ का अगर आप एनालाइज करते हैं तो आपको पता चलेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर जो है उसके ऊपर थोड़ा पैनिक हो सकता है, लेकिन उसको क्या करेगा, अभी थोड़ा टाइम के लिए और भी ज़्यादा यहाँ पे पैसे रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी डिक्रीज पॉइंट पे चल रहा है, ठीक है। इंक्रीज पॉइंट नहीं आएगा ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि अभी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही अच्छा है रिलायंस पावर लिमिटेड का, इंक्रीज पॉइंट ज़रूरी हमें देखने को मिल सकता है आगे, बहुत ही जल्द हमें इंक्रीज पॉइंट भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग हमें पैनिक बिल्कुल भी नहीं होना है। और अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट वीक में हमें थोड़ा बहुत इंक्रीज लेवल देखने को मिल सकता है, क्योंकि फाइनेंशियल कंडीशन इसका बहुत ही अच्छा है, और इस वीक में आपका बहुत ही ज़्यादा डीग्रोथ देखने को मिल रहा था, तो नेक्स्ट वीक में आशा करते हैं अच्छा खासा हमें ग्रोथ लेवल देखने को मिल सकता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।